गरीब अगर 10,000 रुपया लोन भी ले लेती है तो ईडी सीबीआई पुलिस उनके दरवाजा पे पहुंच जाएगी। गरीब के मुंह से बद्दुआ निकलता है नरेंद्र मोदी जी के लिए, बिल्कुल इसलिए बद्दुआ निकलता है कि गरीब रोड पे आ गया है, रोड का नौबत है। जो ठेला पे भी लोग बेच के अपना पेट पालते हैं वो भी तो बैन लगने जा रहा है कि अब ठेला पे कोई नहीं बेचेगा, अब शोरूम खुलेगा, मॉल खुलेगा, हर चीज। मोबाइल सस्ता कर दिए, हीरा सस्ता कर दिए, हर गरीब को वो 5 लाख वाला आयुष्मान वाला कार्ड दे दिया, और क्या चाहिए? एक बात बताइए, हीरा सस्ता कर दी तो गरीब का औकात है क्या हीरा खरीदने के लिए? मान लीजिए 1,000 रुपए सस्ते कर दिए तो गरीब का औकात है खरीदने के लिए? मोबाइल सस्ता कर दिए तो गरीब के पास हिम्मत है मोबाइल खरीदने के लिए? मोबाइल से क्या होगा, पेट भरेगा? हीरा से क्या होगा, पेट भरेगा? जो आपको देना था घर तो घर नहीं दिए, देना था शिक्षा तो वो शिक्षा नहीं दिए। हर चीज बोलने के लिए बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ, घर घर में मोदी। हमको एक भी प्रमाण दे दीजिए कि गरीब खुश है। अगर हम कान से सुन लेंगे तो हम मान लेंगे, हमको तो नहीं लगता। अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं गए तो आप बोलिएगा नसीम जमाल क्या बोले, नाम बदल लीजिएगा अपना। नाम क्या बदलेंगे, दावे के साथ हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी हाल में वो चले जाएंगे। फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे, कटोरा डालेंगे, फिर फुर्र हो जाएंगे। गरीब को पक्का के घर देंगे, किसी का झोपड़ी नहीं होगा। आज झोपड़ी ही झोपड़ी है, कहाँ किया पक्का के घर? क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी का वादा? यहाँ तक कि बोलते थे कि कभी किसी चीज पे, खाने वाली चीज पे हम जीएसटी नहीं लगने देंगे। आज देख लीजिए हर चीज खाने पे, दाल दही दूध लस्सी, यानी ए टू जेड खाने वाली चीज पे जीएसटी भी लग गया। तो हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि गरीब कैसे जिएगा? आप विकास की बात करिए, आप विकास के बात करें तो हर साल दो दो करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किए, तो 16 करोड़ नौकरियां कहाँ किया? हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं, नौकरियां कम से कम देना चाहिए। अगर आपको किसी राज्य का विकास देखना है या विकास करना है तब भारतीय जनता पार्टी से सीखिए, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को विकास करना होता है तो वो सीधा नाम बदल देते हैं। जी हाँ, पहले इलाहाबाद से प्रयागराज और अब लखनऊ से लक्ष्मणपुर। भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के नेता उत्तर प्रदेश के सांसद हों या विधायक मांग कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का नाम बदल के लक्ष्मणपुर कर दिया जाए, क्योंकि विकास दिख नहीं रहा है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद नेत्री नसीमा जमाल हैं। जी क्या कहिएगा, उत्तर प्रदेश का नाम बदल रहा है तो इनको यही ना विकास दिखेगा? एक दूसरे से मतलब लड़ाओ पिटाओ हर चीज करो। अब उनको लखनऊ में भी दिख गया कि लक्ष्मणपुर, लखनऊ बदल के लक्ष्मणपुर नाम रखाएगा। क्या ये विकास की बात है? क्या ये विकास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं? जो भी कर रहे हैं क्या ये विकास की बात है? आप ही बताइए कौन सा ये विकास कर रहे हैं, कोई विकास कर रहे हैं? यहाँ पे तो विकास ही नहीं दिख रहा। यानी इनके कहने का मतलब है कि जो भी पहले का नाम था उसको बदल दीजिए। अब नरेंद्र मोदी जी हैं तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का ही हर चीज नाम पे होना चाहिए, यही का नाम है। रहा बात आपको जब विकास की बात करनी है तो जो 8 साल से जनता आपको मौका दे रखा है, तो जनता को हर साल युवा को नौकरी देने के लिए 2-2 करोड़ नौकरी देने के लिए आप वादा किए थे, नरेंद्र मोदी जी वादा किए थे, 2 करोड़ नौकरियां क्यों नहीं दिए? 15-15 लाख रुपया खाता में देने के लिए नरेंद्र मोदी जी वादा किए, 15 लाख रुपया वा क्यों नहीं दिए? यही 2023 आ गया, 2022 में वादा किए थे कि हम पक्का के घर देंगे सबको, सब गरीब को पक्का के घर देंगे, किसी का झोपड़ी नहीं होगा। आज झोपड़ी ही झोपड़ी है, कहाँ किया पक्का के घर? क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी का वादा? यहाँ तक कि बोलते थे कि कभी किसी चीज पे, खाने वाली चीज पे हम जीएसटी नहीं लगने देंगे। आज देख लीजिए हर चीज खाने पे, दाल दही दूध लस्सी, यानी ए टू जेड खाने वाली चीज पे जीएसटी भी लग गया। तो हम आपसे ये क्वेश्चन करें कि गरीब कैसे जिएगा? आप विकास की बात करिए, आप विकास के बात करें तो हर साल दो करोड़ नौकरी देने के लिए वादा किए, तो 16 करोड़ नौकरियां कहाँ किया? हम नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं, नौकरियां कम से कम देना चाहिए, क्योंकि नौकरी दीजिएगा तो घर में आमदनी होगा, कमाई होगा। उससे क्या होगा कि जो आप इतना इतना देश में महंगाई कर रखे हैं, लोगों को राशन दे रहे हैं, सबका घर मोदी जी चला रहे हैं, ऐसा हम नहीं कहते, भारतीय जनता पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं। तो ठीक है, मैं भी एक आपको बात बता रही हूँ। ठीक है, आप हम खाने के पेट के लिए खाना आपको हम दे दें, पेट आपका भर जाएगा, रहने के लिए घर नहीं चाहिए क्या?
रहने के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी घर है, तो सबसे पहले घर दीजिए ना, राशन एक बार दे दीजिएगा जनता को दिखाने के लिए, और उसके बाद बैल लगा दीजिए और राशन पे जीएसटी लगा दीजिए, राशन का महंगाई कर दीजिए, तो ये विकास की बात है क्या? ये विकास की मुद्दा है क्या? नरेंद्र मोदी जी ये जान गए हैं कि किसी भी हाल में हमको अब जाना है, बिहार से तो चले गए, 10 साल में कोई विकास नहीं हुआ है। बिल्कुल नहीं हुआ, कहाँ हुआ? आपसे हम पूछे विकास दिखा दीजिए, हुआ है विकास तो आप दिखा दीजिए ना, यहाँ विकास हुआ है। अडानी जी 609 नंबर पर अमीरी पर थे, 2 नंबर पर चल गई, विकास नहीं है। अडानी जी है, उनके अपने आदमी है, सके उनके मित्र है, क्योंकि 11 लाख पूंजीपतियों को माफ किए, पूंजीपतियों को 11 लाख माफ किए। और बताइए, गरीब अगर 10,000 रुपया लोन भी ले लेती है तो ईडी सीबीआई पुलिस उनके दरवाजा पे पहुंच जाएगी। आपको लग रहा है कि मोदी जी आपके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? बिल्कुल, सब जनता के साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, हमारे ही क्या पूछ रहे, सबके साथ में सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। बिल्कुल, जो गरीब खुश है क्योंकि घर घर में मोदी है। हमको एक भी प्रमाण दे दीजिए कि गरीब खुश है, अगर हम कान से सुन लेंगे तो हम मान लेंगे, हमको तो नहीं लगता, क्योंकि हम चलते हैं जब रोड पे, हम भी रोड के ही आदमी है, तो हम जानते हैं ना गरीब के मुंह से बद्दुआ निकलता है नरेंद्र मोदी जी के लिए। बिल्कुल, इसलिए बद्दुआ निकलता है कि गरीब रोड पे आ गया है, रोड का नौबत है, जो ठेला पे भी लोग बेच के अपना पेट पालते हैं वो भी तो बैन लगने जा रहा है कि अब ठेला पे कोई नहीं बेचेगा, अब शोरूम खुलेगा, मॉल खुलेगा, हर चीज, मोबाइल सस्ता कर दिए, हीरा सस्ता कर दिए, हर गरीब को वो 5 लाख वाला आयुष्मान वाला कार्ड दे दिया, और क्या चाहिए? एक बात बताइए, हीरा सस्ता कर दी तो गरीब का औकात है क्या हीरा खरीदने के लिए? मान लिया 1,000 रुपये सस्ते कर दिए तो गरीब का औकात है खरीदने के लिए? मोबाइल सस्ता कर दिए तो गरीब के पास हिम्मत है मोबाइल खरीदने के लिए? मोबाइल से क्या होगा, पेट भरेगा? हीरा से क्या होगा, पेट भरेगा? जो आपको देना था घर तो घर नहीं दिए, देना था शिक्षा तो वो शिक्षा नहीं दिए, आए हर चीज बोलने के लिए बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पटाओ। नरेंद्र मोदी जी बोले थे बात, आप लोग ये मालूम, वैलेंटाइन डे का वैलेंटाइन डे चल रहा है मान लीजिए कुछ दिन के लिए, क्या हाँ वही चल रहा है, सच्चाई है। रहा बात, नरेंद्र मोदी जी भी बोले थे, इंटर अमित शाह बोले थे इंटर से बीए आता है, बीए से तो इंटर नहीं होता है। आप क्या कह रहे हैं कि मोदी अमित शाह जी इंटर नहीं किए हैं? बिल्कुल है कि जब वो किए नहीं है तभी तो उनको मालूम है कि बीए कर लीजिए उसके बाद इंटर कीजिएगा। देश का कुछ तो इज्जत कर लीजिए। सुने ना, गृह मंत्री है तो उनको भी तो थोड़ा सा सोच समझ के बोलना चाहिए ना, जब इंटर ही पास नहीं है तो बोलेंगे ना, वो जब पढ़े लिखे है नहीं तो बोलेंगे, जाहिर सी बात है, इसलिए बोल रहे हैं। आप आपके नेता भी तो 9वीं पास हैं, बन गए ना मुख्यमंत्री? एक बात डिप्टी नहीं, नहीं सुनिए ना, क्या प्रमाण है? प्रमाण है आपके पास? प्रमाण है? बिल्कुल हमारे पास, बिल्कुल हमारे पास प्रमाण है, मेरे पास है, हमारे डिप्टी सीएम एक मिनट, लालू जी के बेटा है इसलिए 9वीं पास। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तो कहते तो ऐसा कुछ नहीं, प्रशांत किशोर कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी ना, उनके बोलने से क्या होता, उनके बोलने से क्या होता, जनता जान रही है ना, जनता तो देख रही है उनके बोलने से क्या होगा। रहा बात माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी, विकास की बात करती है, काम की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, युवा की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, आज तक ले कोई हमें प्रमाण दे दे कि नरेंद्र मोदी जी के आदमी कोई विकास की बात किया होगा आज तक ले। जिस तरह का, जिस तरीके से बिहार में खदेड़े ही हैं आप लोग भाजपा को, क्या केंद्र की सरकार से भी खदेड़िए? बिल्कुल हम लोग खदेड़ेंगे, बिल्कुल, ये पूरा जानता ही उनको खदेड़ेगी, हम लोग का कोई हैसियत नहीं, जनता ही खदेड़ेगी, इसलिए खदेड़ेगी क्योंकि जब हम लोग बिहार से उनको भगा दिए तो दिल्ली से भी चले जाएंगे। ये नरेंद्र मोदी जी जान गए हैं कि जैसे पतंग उड़ता है ना और एक कली डोर कट जाता है, तो वैसे ही नरेंद्र मोदी डोर काटिएगा। बिल्कुल, हम लोग पूरा जनता काटेंगे, अभी ढील है और उसके बाद डोर काटेंगे। गरीब का नेता है मोदी जी, गरीब के लिए क्या किए, वही तो हम प्रमाण मान रहे हैं। गरीब को घर और गैस दिए, देते देते घर ही दिए हैं, कहाँ दिए हमको प्रमाण दीजिए, घर भी दिए वो भी टूट फूट गया, ढह गया, छीना गया, हर चीज हो गया, क्या दिए? अब बोले गैस दिए, आप गैस दिए तो आपके घर गैस आता है तो कितना फ्री में लाते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी जब गैस दिए तो क्या फ्री में लाते हैं? मोदी जी मोदी जी के चाहने वाले कहते हैं कि उनके लिए सब कुर्बान है, 5,000 लीटर भी मतलब कहने के लिए आपको ये कह रहे हैं कि गरीब मतलब पूरा कुर्बान है। आपके पास 1,300 रुपया है सिलेंडर लाने के लिए, है 1,300 रुपया है आपके, आप अमीर होंगे, नरेंद्र मोदी जी के आदमी होंगे तो आप तो ला लीजिएगा, गरीब कैसे लाएगा? मोदी जी के आदमी हम लोग नहीं है, चाय बेचते बेचते सब कुछ तो बेच ही दिए, निष्पक्ष पत्रकारिता करते, ठीक है, चाय बेचते बेचते देश भी तो बेच दिए, सब कुछ बेच, आज जितना आप लोग मीडिया वाले को क्यों कहती है कि मोदी जी का आदमी? क्योंकि मोदी जी ऐसे आदमी है, पैसा देते हैं
और आदमी खरीदते हैं। तो वो संसद में कह रहे थे कि हमारा नाम किसी अखबार में एडवर्टाइजमेंट देने से नहीं हुआ और ना ही न्यूज चैनल में चलने से, हमारा हमारे कर्म के वजह से हुआ। कौन सा कर्म किए नरेंद्र मोदी जी, जरा दिखा दीजिए। नरेंद्र मोदी जी को सबर शर्म नहीं आता है क्या ये बात कहने में? अपन इंच वाला नेता है, पाकिस्तान और चाइना कांप रहा है, और क्या चाहिए? हाँ, मतलब यही तो सिर्फ कहने के लिए चाइना और पाकिस्तान वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अडानी अंबानी को देख लीजिए, उनके मित्र है, सगे मित्र है उनको, है 11 लाख करोड़ पूंजीपतियों को माफ किए, 72,000 करोड़ एनपीए लोन माफ किए, ये सब क्या है? अगर गरीब 10,000 मित्र के प्रधानमंत्री, बिल्कुल बिल्कुल ये सच्चाई है। अब देखिएगा, अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं गए तो आप बोलिएगा नसीमा जमाल क्या बोल, नाम बदल लीजिएगा अपना, है नाम क्या बदलेंगे? दावे के साथ हम कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी किसी भी हाल में वो चले जाएंगे, है कहाँ जाएंगे, कहाँ भेजिए? अच्छा, फकीर आदमी है तो फकीर आदमी है, झोला उठाएंगे, कटोरा डालेंगे, फिर फुर्र हो जाएंगे। कहाँ? उस कटोरा में तो खाली है ना कटोरा, जहाँ थे ना, जाने के लिए पैसा चाहिए होता है। नहीं नहीं, बहुत रख लिए है, लूट के पूरा 8 साल से जितना जनता के रुके वो कहाँ गया सब? क्या हुआ? कौन सा आपका मिनी में लगा दिए? कौन से गरीब के ऊपर लगा दिए? क्या दे दिए गरीब को लेके? सब तो गरीब के ही लूट के अपने पास रखे हैं, है? तो आप देखिएगा नरेंद्र मोदी जी जाएंगे वो। चलिए अब बिहार की बात करते हैं। बिहार के मुबारकपुर में जो हिंसा हुई है, यादव और जो राजपूत में जो लड़ाई हुई है, लोग कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि जंगल राज की वापसी हो गई है। ये लोग क्या कहेंगे? छपरा का मामला आपको मालूम है ना? उतना तो नहीं मालूम है, बट मैं थोड़ा ही सा बता रही हूँ, ठीक है? वो लोग क्या कहेंगे, जंगल राज, जंगल राज? बीजेपी वाले यही मुद्दा फैलाएंगे, क्योंकि बीजेपी वाले जान गए जनता राज आ गया। नहीं, लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव हैं और यादव के नेता हैं, इसीलिए यादव का राज। कुछ नहीं है, ए टू जेड की पार्टी है हमारी, ए टू जेड, ठीक है? यानी हर जात के वो नेता है, ऐसा कुछ नहीं है कि हिंदू के हैं, मुसलमान के हैं, यादव के हैं, क्रिश्चियन के हैं, भूमियार के हैं, पैठान के, ऐसा कुछ नहीं है, ए टू जेड के वो नेता है। आप तो पहले कटिहार में हुआ, फिर छपरा में हुआ, तो इस तरह की चीज आरजेडी के सरकार आने के बाद हो रही है। अब पहले नहीं होता था क्या? आप मुझे दे दीजिए, पहले नहीं होता था? होता था, है? ये तो कम हो रहा है, ये तो कुछ भी नहीं हो रहा जो पहले होता था। अभी तो लोग सुकून से हैं, सुकून से लोग सांस ले रहा है। पहले तो ये भी सांस नहीं लेते थे, पहले काला धन निकालते थे नरेंद्र मोदी जी, नोटबंदी की है, नोटबंदी में आप ही देख लीजिए कितना मौत हुआ, कितना बेहरमी से हर चीज हुआ है, काला धन निकालते निकालते कितना धन निकाल दिया, आप देख ही रहे हैं हर चीज, तब क्या कहें? तो क्या मतलब बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़ गया है, अपराध कुछ नहीं बढ़ा है, 100 बात की एक ही बात आपको मैं बता दूं कि जनता राज आ गया है, ये बीजेपी वाले चाहते हैं कि बदनाम करते रहो, तो बीजेपी वाले कहने से कुछ होता नहीं है, उन लोग का नाम ही है बदनाम, बदनाम करते रहो तो उनको क्या होगा, कहने दीजिए, कह रहे हैं लोग तो। नसीमा जमाल है हमारे साथ, राजद नेत्री हैं और बड़ी बुलंद आवाज है इनकी, हर मुद्दे पर मुखर होकर बोलती हैं, और आपने सुना ही होगा कि इन्होंने क्या कहा है, भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने की बात कर रही हैं और कह रही हैं कि 24 में भारतीय जनता पार्टी को बिहार से तो खदेड़ा गया है, अब केंद्र से भी खदेड़ेंगे। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर हैं तो लाइक करिए, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।